आपका स्वागत है। मैं वनमाईलाल कुशवाहा, आप देख रहे हैं सी10 न्यूज। देखते हैं जनपद से जुड़ी खास खबरें। फिरोजाबाद जनपद की ग्राम पंचायत असुआ में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाली छात्राओं द्वारा चूड़ियों पर कलात्मक कार्य करने का काम किया जा रहा है। एक समूह के रूप में यह छात्राएं गांव की अन्य महिलाओं के साथ इन पर रंग रोगन करती हुई देखी जा रही हैं। पढ़ाई के साथ साथ ही अपने हुनर का प्रयोग कर कुछ आमदनी भी जोड़ रही हैं। इनका संदेश है कि खाली समय में कुछ कमाई की जाए, जिससे आगे भविष्य में यह काम आ सके। कई बार देखा जाता है कि खाली समय में महिलाएं ग्रामीण इलाकों में अन्य बातें करती रहती हैं, जिससे कभी कभी झगड़े भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन इस गांव में महिलाओं एवं छात्राओं द्वारा खाली समय में चूड़ियों पर कलात्मक कार्य करने से इनका समय भी इसी काम से निकल जाता है तथा आपस में सामंजस्य बना रहता है। इस संबंध में एक छात्रा ने बताया कि वह पढ़ाई भी करती है, इसके अलावा दोपहर से शाम के बीच में चूड़ियों पर रंग रोगन करती है। प्लास्टिक एवं लाख की चूड़ियों को फिरोजाबाद से यहां पर ठेकेदार दे जाते हैं। देखते रहिए सी10 न्यूज। प्लास्टिक है ना? तो एक दिन में कितनी बना लेती हूँ? तो जब कितना मुनाफा है या तो एक दिन? नहीं, मुनाफा मतलब कितने रुपए की चूड़ी हो जाती? 50-60? अच्छा, उसमें कितना मुनाफा, तुम्हें फायदा कितना मिलेगा? अच्छा, और चूड़ी कितने की आती है जी? जैसे 50-60 चूड़ी कितने की बनेगी?